कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। रामनवमी के मौके पर सासाराम और नालंदा में हुए हिंसे के मामले में बीजेपी के पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी होती है। बता दें कि उनसे मिलने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी उनसे मिलने सासाराम सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। कैदी वार्ड में वो हैं और बताया कि जब खबर आई कि बिहार में नालंदा और सासाराम में रामनवमी के मौके पर हिंसा होती है और इस हिंसा की जाँच बिहार पुलिस करती है और इसमें बिहार बीजेपी के पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा जाती है। लगातार बीजेपी महागठबंधन सरकार और सीएम नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते नजर आती है और कहती है कि ये सिर्फ बदले की राजनीति कर रहे हैं, असल जो गुनहगार है उसे ये पकड़ नहीं रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जानबूझकर बीजेपी को फंसाया जा रहा है, बीजेपी के पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद को फंसाया जा रहा है। इसे लेकर के बीजेपी लगातार सासाराम में धरना भी प्रदर्शन की, लगातार उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे, विजय सिन्हा पहुंचे। और अब बताएं तो आज की ये बड़ी खबर है जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी सासाराम सदर अस्पताल पहुंचते हैं और हिंसा जो रामनवमी और रामनवमी के मौके पर सासाराम में जो हिंसा हुई है इस मामले में पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और कोर्ट से उनकी इस गिरफ्तारी उनकी जो जमानत याचिका थी वो भी खारिज कर ली जाती है और अब वो सदर अस्पताल में है और बंदी कारा में है, सॉरी बंदी वार्ड में है जहां सुशील कुमार मोदी उनसे मिलने पहुंचे हुए। आपको हम तस्वीरें सीधे सदर अस्पताल से दिखाते हैं, यानी सासाराम के सदर अस्पताल से दिखा रहे हैं। देखिए जहां बंदी जो वार्ड है उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जो हैं वो भर्ती हैं और उनसे मिलने के लिए सुशील कुमार मोदी पहुंचे हुए हैं। बिहार के सासाराम में बीते दिनों हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया था। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में जवाहर प्रसाद को उनके ही घर से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि रामनवमी के दिन जुलूस के बाद सासाराम में हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में नामजद आरोपियों पर आत्मसमर्पण के लिए दबिश भी जारी है। इस क्रम में सासाराम के पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस शुक्रवार देर रात पूर्व विधायक के लश्करीगंज स्थित आवास पर पहुंचती है और उन्हें अपने साथ गिरफ्तार कर जेल ले आती है। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की पुष्टि शाहबाद के DIG दिन चंद्र झा ने की है। DIG ने कहा कि पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। SP रोहतास जल्द ही इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी देते हैं और बताएं कि जब जैसे ही जवाहर प्रसाद गिरफ्तारी की खबर सामने आती है इधर बिहार की राजनीति गर्मा जाती है। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के ऊपर, महागठबंधन सरकार और बिहार सरकार खासकर बिहार पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ी करते नजर आती है, निशाना साधते नजर आती है और कहती है कि ये सिर्फ बदले की राजनीति है। हमने कहा था कि वहाँ SIT गांठ हो, हमने कहा था कि NIA के तहत सासाराम हिंसे पर जो है जांच हो और इसीलिए नीतीश कुमार जानबूझकर बीजेपी के विधायक को गिरफ्तार करवाए हैं और उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है। बताएं कि लगातार सासाराम में बीजेपी की तरफ से धरना भी दिया गया जिसमें खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे और अब सासाराम से बड़ी खबर जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पहुंचे हुए हैं सासाराम सदर अस्पताल और वहां कैदी वार्ड में भर्ती हैं जवाहर प्रसाद और उनसे मिलने पहुंचे हुए। क्या कुछ तस्वीरें सीधे सासाराम से निकल कर सामने आ रही है, आपको इन तमाम तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। सब लोग बाहर रहेंगे, कोई साथ कोई नहीं, अंदर नहीं जाना है, सब लोग बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। Thank you.